अब हमारा स्विमिंग पूल बनेगा दोस्तों पहाड़ों के बीचों बीच। देखिए क्या ही मस्त जगह है, जब यहाँ से पूरा पानी गिरेगा ना उस समय काफी अच्छा लगेगा एकदम देखने में। तो यहीं पर हम लोग स्विमिंग पूल बनाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर देखने में भी काफी अच्छा लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर स्विमिंग पूल इसलिए बना रहे हैं दोस्तों, चलिए आइए 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 जल्दी आइए, पूरा जोर से बारिश होने लगा। तो अब चलते हैं दोस्तों बाहर। देखिए यहाँ पर हम लोग का देसी जुगाड़ है पानी से बचने का, यहीं पर सभी कोई बच रहे हैं। तो फाइनली हमारा कुआं बन चुका है दोस्तों, देखिए एकदम पूरा मस्त गोले गोल बन गया, और जो भी दीवार जोड़ना था दोस्तों पूरा एकदम जोड़ दिया है। देखिए क्या ही मस्त लग रहा है दोस्तों हम लोग का कुआं, चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में कुआं है। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुका है, और आप लोग कल का वीडियो में देखिए दोस्तों कि हम लोग ढलाई कर दिए हैं कुएं का, और आज देखिए सुबह से ही लग गए हैं यहाँ पर। देखिए दीवार जोड़ना शुरू कर दिए हैं मिस्त्री लोग, देखिए इतना जोड़ लिए हैं सुबह से, और उधर से देखिए छोटू मिस्त्री आ रहे हैं दीवार जोड़ते हुए, और देखिए मसाला भी बन के रेडी है दोस्तों, और अभी मसाला पहुँचा देते जा रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ जो छेदा देख रहे हैं, ये वाला पानी निकलने का रास्ता है, जो यहाँ पर झरना भर जाएगा ना तो इधर से पानी निकल जाएगा सीधा बाहर, इसीलिए यहाँ पर छोड़े हुए हैं। और उधर देखिए पापा भी देख रहे हैं। तो सुबह से इस तरह से काम हो रहा है दोस्तों। आप लोग का कल बहुत सारा कमेंट आया था दोस्तों कि बस हो गया कि और भी उठाइएगा, तो हम लोग मतलब ऐसे ही कैसे छोड़ देंगे, उधर से पानी उनी आएगा तो सीधा कुआं के अंदर ही घुस जाएगा, और बच्चा लोग भी इधर आते रहते हैं, तो हम लोग को भी सोच है कि इसको उठा के ही छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे तो हम लोग के लिए ही हम लोग को खतरा है, तो इसीलिए इसको उठा दे रहे हैं। दीवार इस तरह से उठेगा, लगभग जो है 3-4 फीट हम लोग उठा देंगे ऊपर दीवार, मतलब उठा देंगे जमीन से ऊपर। तो अभी हम लोग का तो काम अभी जारी है, अभी हम लोग काम कर ही रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं। देखिए मसाला यहाँ पर बन गया है और वहाँ पर देते जा रहे हैं। तो मिस्त्री जी अभी पानी निकलने का रास्ता बना रहे हैं दोस्तों, देखिए इस तरह से बना रहे हैं, देखिए एकदम कितना मस्त बना दिए, एकदम नाली जैसा, इसी से पानी निकल जाएगा ना, अंदर अंदर निकल जाएगा सारा पानी, ओवर वाला निकलेगा सारा। हाँ। पानी तो नहीं निकलेगा ना यहाँ से। हाँ, यहाँ से जो ओवर हो जाएगा वो अब सीधे बाहर निकल जाएगा। नहीं होगा तो फिर कैसे? नहीं होगा जी, चलिए देखिए इसके ऊपर में बैठा दिए ईंटा, और अंदर से निकल जाएगा सारा पानी, जो ओवर हो जाएगा वो वाला निकल जाएगा, ओवर फ्लो पानी हम लोग का इसी तरह से निकलेगा। और यहाँ पर भी हम लोग नहा धोवा सकते हैं एकदम ओवर पानी से ही, यहाँ पर छान देंगे और नहा लेंगे, देसी नल का भी काम करेगा क्या मिस्त्री जी? चलिए पानी उठाना भी नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों इतना दीवार जोड़ा हो गया है, और देखिए पूरा एकदम बारिश होने लगा, और आंधी तूफान भी देना शुरू कर दिया दोस्तों, देखिए कैसा मौसम खराब किया हुआ है, पूरा एकदम चारों तरफ से एकदम काला करते हुए आ रहा है, पूरा एकदम बादल ढकते हुए, देखिए एकदम कैसा एकदम मौसम कर दिया है। और देखिए मिस्त्री लोग अभी वहाँ पर बच रहे हैं, पानी आ रहा है इसलिए, और यहाँ पर मसाला जो बनाए हुए थे दोस्तों इसको ढक दिए हैं प्लास्टिक से, ताकि ये बहेगा नहीं पानी से। तो बारिश अभी छूट गया है दोस्तों, और देखिए बारिश छूटते ही कितना ज़्यादा धूप उग गया, पूरा एकदम धूप लगने लगा, इधर इतना जल्दी जल्दी मौसम चेंज होता है ना, तुरंत बारिश तुरंत धूप, एकदम इस तरह से होते रहता है चेंज। तो अभी देखिए यहाँ पर 5 ईंटा उठ गया है, अभी और 1 ईंटा उठ जाएगा तो कम्प्लीट हो जाएगा, इधर के लिए कम्प्लीट हो जाएगा, फिर उधर दूसरा जोड़ा शुरू हो जाएगा, तो इधर कंप्लीट पहले कर लेंगे उसके बाद में फिर शुरू करेंगे उधर। तो ये वाला आखिरी जोड़ा है दोस्तों, देखिए इस तरह से बंधन दे दे रहे हैं, इस तरह से खड़ा खड़ा ईंटा लगा देंगे, उसके बाद में यहाँ पर देखिए पूरा एकदम मसाला से ढक देंगे, पूरा पूरा जाम कर देंगे तो पूरा एकदम मजबूत हो जाएगा, उसके बाद में इधर के लिए कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद में इधर शुरू कर देंगे। तो ईंटा जोड़ा कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और देखिए इस तरह से पची दे दे रहे हैं, बीच बीच में गैप है वहाँ पर डाल दे रहे हैं ना मिस्त्री जी। और साथ में कविता जी भी लगी हुई है, बढ़िया हो रहा है जी। जल्दी हो। और इधर देखिए दोस्तों इस तरह से घोलते हुए जा रहे हैं, देखिए इधर छोटू मिस्त्री लगे हुए हैं घोलने में, और पापा भी पानी उठा दे रहे हैं, और रंगीला भी आ गया ना बाबू, देखिए इस तरह से घोलाता है, पानी प्यास लग गया। अच्छा चलो पूरा पानी पियो झरना का पानी। तो फाइनली हमारा कुआं बन चुका है दोस्तों, देखिए एकदम पूरा मस्त गोले गोल बन गया, और जो भी दीवार जोड़ना था दोस्तों पूरा एकदम जोड़ दिया है, देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है पूरा दीवार, देखिए इतना हो गया है, अभी आराम से हो जाएगा, हम लोग का पानी भी निकल जाएगा, जो उधर से पानी आएगा ना पहाड़ वाला सारा पानी इधर से निकल जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ बाकी है, यहाँ पर प्लास्टर कर देंगे, उसके बाद में पाइनिंग कर देंगे,
सारा पानी जो है छलक करके निकल जाएगा बाहर। अब हम लोग का कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। पहले हम लोग का पानी घुस जाता था हम लोग का कुआं में, पूरा एकदम झरना का पानी खराब हो जाता था। अब वो चीज़ नहीं होगा, हम लोग का क्लियर हो गया है, पूरा गोले गोल लग रहा है एकदम, रिंग जैसा एकदम। देखिए क्या ही मस्त लग रहा है दोस्तों हम लोग का कुआं, चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में कुआं है। तो अब चलते हैं दोस्तों, पूरा बारिश होने लगा, अब नीचे उतरते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का देसी जुगाड़ है पानी से बचने का, झोपड़ी बनाए हैं एक, यहीं पर सभी कोई बच रहे हैं। यहाँ पर एकदम अच्छा है, एकदम बचावट के लिए एकदम है, थोड़ा बड़ा पानी आता है ना तो बच जाते हैं यहीं पर। तो अब चलते हैं दोस्तों, खाना पीना खाते हैं, और देखिए पूरा एकदम बारिश भी होने लगा पूरा तेज। तब चलते हैं घर तरफ। चलिए मिस्त्री जी, चलिए पापा, चलिए आइए जी, चलिए 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 चलिए। पूरा बारिश होने लगा, बहुत ज़्यादा बारिश। चलो बाबू, चलो 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 चलो। पूरा देखिए पानी में कैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, एकदम पूरा भाग रहे हैं। चलिए आइए आइए आइए, जल्दी आइए, पूरा जोर से बारिश होने लगा। हम लोग सोचे कि वहाँ पर बच जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश होने लगा ना, पूरा भींगने लगे। अब चलते हैं सीधे कलवर घर में बचते हैं। देखिए दोस्तों कितना तेज बारिश होने लगा, पूरा एकदम चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा कर दिया है, और बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, और हवा तूफान भी चल रहा है एकदम साथ में। थोड़ा सा भी यहाँ पर इंजन नहीं दिख रहा है, चारों तरफ एकदम काला ही काला दिख रहा है, एकदम अंधेरा। देखिए कैसे दौड़ते हुए आ रहे हैं उधर से, पूरा दौड़ रहे हैं उधर, पूरा क्या करेंगे वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब बारिश होने लगा ना, पूरा भींगने लगे, सभी पर भींगते भींगते भागे इधर घर तरफ। पूरा देखिए एकदम कैसा एकदम कर दिया है, पूरा पानी डबर गया, इतना ज़्यादा बारिश हो गया क्या जी? हाँ। आपने भींगे जी? हाँ। अच्छा, कलवट के अंदर झोपड़ी में ना? देखिए चारों तरफ कितना सारा पानी भर गया है, पूरा खेत में भर गया है। तो हम भी पैर हाथ धोते हैं दोस्तों, और देखिए यहाँ पर पानी कैसा भर गया है, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि यहाँ पर रोपा रोपाई होगा, उस तरह से एकदम पूरा भर गया है पानी। तो यहाँ पर बादाम वगैरह बुनेंगे, बढ़िया हुआ है, यहाँ पर पूरा एकदम हाल हो जाएगा, जोताई कोड़ाई एकदम मस्त हो जाएगा। तो हम चलते हैं, पहले हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद में खाना पीना खाते हैं। तो हम भी हाथ मुँह धो लिए दोस्तों, अब चलते हैं खाना पीना खाते हैं। पूरा एकदम बारिश से तो पूरा भींग गया, बाल अभी तक सूखा नहीं है। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं दोस्तों, और कुछ मिस्त्री तो खा लिए पहले ही, और देखिए हम लोग लाइन लाइन अभी बैठे हैं खाना खाने के लिए, और रंगीला तो पहले कटहर ही खा रहा है, ये खाना नहीं खाएगा, अभी कटहर खाएगा ना बाबू। तब पतल मिल गया है दोस्तों, अभी देखिए अभी खाना लगा रही है कविता जी, क्या जी? हो गया हो गया। पूरा हेवी वाला बर्तन में बांट रहे हैं जी। हाँ। क्या वही वाला मिला? यही वाला है। हमको लगा पहले पहले कि चाय बांट रहे हैं। चाय नहीं है। दाल दे दी है, और अभी डाली हुई है आलू का सब्जी, सोयाबीन भी है, आलू और सोयाबीन। अच्छा सोयाबीन भी है। हाँ। ये तो पता ही नहीं चल रहा था, दोनों साथ में है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अभी बारिश छूट गया, उस समय पूरा बारिश दे रहा था, कल से ऐसा मौसम खराब किया हुआ है ना। चलिए फटाफट खाते हैं खाना। तो हम लोग खाना पीना खा लिए हैं दोस्तों, और देखिए हम लोग फिर आ गए हैं काम पे, और आज देखिए पूरा एकदम दीवार भी फाइनल हो गया है, कल सिर्फ प्लास्टर करना है, प्लास्टर करने के बाद में घोला चढ़ेगा, क्या मिस्त्री जी? और देखिए अभी मिस्त्री जी यहाँ पर गैप गैप में छाप दे रहे हैं मसाला जो बच गया है वाला। देखिए ये सब जो छेदा है ना, ये सब में मसाला घुस जाएगा, जॉइनिंग है बने, ज्वाइंट में घुस जाएगा तो मजबूत हो जाएगा। तो इधर छोटू मिस्त्री अभी मसाला छाबिए रहे हैं दोस्तों, और इधर देखिए अभी बाकी मिस्त्री लोग लगे हुए इधर काम पे, और उधर देखिए पत्ता चढ़े हुए ऊपर में, पूरा वहाँ पर साफ कर दे रहे हैं। और हम लोग पहाड़ों के बीच में एक तो स्विमिंग पूल बनाएंगे दोस्तों, जो पहाड़ वाला पानी आएगा यहीं पर जमा होगा, और उसके बाद में आराम से यहाँ पर नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर दीवार भी क्षति नहीं करेगा, हमारा कुआँ सुरक्षित रहेगा। तो वहाँ पर देखिए इसलिए पूरा एकदम साफ कर रहे हैं पापा, उसको साफ करते जा रहे हैं, और यहाँ पर मिस्त्री लोग लगे हुए हैं अभी, उसी का तैयारी में सब कोई लगे हुए हैं। और कविता जी वहाँ पर देखिए देख रही है अभी कि कैसा बनेगा, और रंगीला देखिए कितना मस्त काम कर रहा है,
सारा झाड़ी को देखिए पहाड़ फेंक रहा है। गाड़ी तो हम लोग यहाँ पर स्विमिंग पूल इसलिए बना रहे हैं दोस्तों, जो पहाड़ का पानी आएगा ना यहाँ पर जमा हो जाएगा और जितने भी जानवर हैं वो सब यहाँ पर पानी वगैरह पिएंगे और जो बचा हुआ पानी यहाँ पर गिरेगा वो आराम से गिरेगा और हमारा कुआं का क्षति नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बनाने के लिए खोज रहे हैं। तो अभी उसी का तैयारी में लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा भी दिखेगा दोस्तों, जब वहाँ से पानी गिरेगा ना उस समय पूरा एकदम मस्त लगेगा एकदम देखने में। तो हम भी ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों और आप लोग को ऊपर से दिखाते हैं कितना मस्त बना रहे हैं यहाँ पर श्री राम। तो यहीं पर हम लोग स्विमिंग पूल बनाएंगे दोस्तों, ये देखिए ये वाला जगह पे बनाएंगे, जब गर्मी का दिन आएगा उस समय यहाँ पर पानी भर के रख देंगे ताकि जानवरों को दिक्कत नहीं होगा पानी पीने में, क्योंकि वहाँ पर तो पानी पीने में दिक्कत होगा क्योंकि पानी का लेयर जो है पूरा नीचे चला जाएगा तो वहाँ तो पी नहीं पाएंगे, तो यहीं पर पियेंगे पानी, इसलिए इसको बना रहे हैं। और यहाँ पर देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, यहाँ पर एकदम यहाँ गिरेगा ना पानी उस समय एकदम अच्छा लगेगा एकदम देखने में, पूरा एकदम सुंदरता दिखेगा। और विशेष करके हम लोग जो है जानवरों को पानी पीने के लिए बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पर तो पूरा एकदम पानी का लेयर नीचे चला जाएगा और उधर पूरा एकदम खेत गोट में पूरा पानी नहीं रहता है, एकदम उधर पूरा सूखा पड़ जाता है तो पानी सब कहाँ पियेंगे, इसीलिए यहीं पर बना दे रहे हैं ताकि वहाँ पर वो नीचे उतरेंगे और सब जानवर पानी पियेंगे। और हम लोग यहाँ पर बरसात में काफ़ी मज़ा भी करेंगे, काफ़ी मस्ती लगता है यहाँ पर एकदम, इधर जब पानी गिरता है ना उस समय एकदम मस्त लगता है एकदम देखने में। और रंगीला देखिए कहाँ पर चढ़ गया है एकदम, पूरा एकदम काफ़ी मस्ती करते रहता है। हाँ हाँ पूरा एकदम घूम घूम के एकदम देख रहा है ना कि कैसा बनेगा स्विमिंग पूल, मेला जैसा ना। तो ये जब से सुना है दोस्तों कि स्विमिंग पूल बनेगा उस समय से पूरा एकदम ये खुशहाल है, इसको पूरा एकदम रीझ लगता है ना पानी में, तो यहाँ पर पूरा नहाएगा एकदम मजा करेगा। तो वहाँ पर सभी कोई काम कर ही रहे हैं दोस्तों और देखिए यहाँ पर कितना सारा बच्चा लोग आ गए, इसी तरह से पूरा एकदम गाँव के लोग आते हैं इधर, एकदम गोरखी वगैरह आते हैं और यहाँ पर आते हैं पानी वगैरह पीने के लिए। तो अभी शाम हो गया दोस्तों, आज जितना काम होने का था उतना काम तो हो ही गया, पूरा देखिए दीवार वगैरह सब चीज़ कंप्लीट हो गया, वहाँ भी साफ़ सफाई हो गया स्विमिंग पूल में जहाँ पर बनाएंगे, पूरा वहाँ पर तैयारी हो गया है, कल से वहाँ पर काम लगेगा। तो अब चलते हैं घर तरफ, देखिए बारिश भी शुरू कर दिया है, तो चलिए पापा चलिए, हाँ चलो चलो चलिए। तो हम लोग घर आ गए दोस्तों और उधर मिस्त्री लोग अभी धोवा धोई कर रहे हैं, वो लोग भी घर जाएंगे तो हम लोग भी चलते हैं, अब खाना पीना बनाते हैं क्या जी। देखिए एकदम पूरा बारिश का मौसम बना दिया है तो जल्दी से हम लोग खाना पीना बना करके रेडी करते हैं, है ना जी। हाँ। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।